करहल में भूख प्यास से तड़पकर हो रही गायों की मौत पर जनता में आक्रोश। युवाओं ने गौशाला की मांग को लेकर जनपद और तहसील में दिया आवेदन। मांग 3 दिन में पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन। खबर करहल से है, जहां भीषण गर्मी के बीच प्रशासन की नाकामी के चलते गौवंश खतरे में आ गया है। आए दिन भूख प्यास से तड़प कर गायों की मौत हो रही है। यहाँ गौवंश की ना तो कहीं पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही उन्हें चारा मिल पा रहा है। हिंदू धर्म में माता का दर्जा मानी जाने वाली गाय की करहल में क्या दुर्दशा हो रही है, यह कोई आकर तो देखे कि करहल में कैसे गौवंश नालियों का दूषित पानी पीकर और सड़ी गली पन्नियां और कचरा खाकर अपना पेट भर रही हैं। कल भी करहल मुख्य बाजार में 2 गायों की भूख प्यास से तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं कुछ दिनों पहले फास्ट समाचार ने भी अभी करहल के खुले नाले में गिरकर हुई गाय की मौत और तालाब पर पानी पीने आए मवेशी कीचड़ में फंस कर काल के गाल में समाए गए इन मुद्दों को प्रकाशित किया गया था। पनवाड़ा पंचायत में भी एक गौवंश पानी की तलाश में खुले कुएं में गिर कर मौत का शिकार हो गई। आप ही बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार जो गाय को माता का दर्जा देती है और गौवंश के जीवन की सुरक्षा की गारंटी भी देती है और तमाम संगठन भी गौवंश के लिए काम कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि करहल में इस गाय माता को प्रशासन से मरने के लिए छोड़ रखा है। मुख्यालय की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद भी करहल में इन गौवंश को सहारा देने के लिए गौशाला तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सरकार से बजट की कोई कमी है तो बस कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार अफसरों की, जो गौशाला जैसे पुनीत कार्य के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं अब करहल की जनता गौशाला के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आई है। आज जनपद CEO और करहल SDM को ज्ञापन देकर गौशाला की मांग रखी गई है और साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो जनता आंदोलन करेगी और यह मुद्दे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। देखिए फास्ट समाचार से संवाददाता में श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। आज किस सिलसिले में आप जनपद आना हुआ तुम्हारा? हमारा इस सिलसिले में आना हुआ है कि एक तो कल 2 गैया खत्म हो गई हैं। एक तो अपने जो दोनों गैया जो बाजार में और एक अपना बैल था वो 7-8 दिन से वहां डला है एक कुएं में। सरदार का वो कोई फार्म है, सरकारी जमीन है, वो उसमें वो खेती करता है और उसी के कुएं में वो बैल डला है। 10-8 दिन से डला है। मैंने पंचायत में भी कहा, सेक्रेटरी से भी कहा, पनवाड़ा पंचायत में इसको निकलवा दो, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जब मैंने आज कहा कि मैं CEO साहब से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी, जब उन्होंने आज रस्सी डलवाई और ट्रैक्टर भिजवाया, लेकिन वो खत्म हो चुका है कि गर्मी पड़ रही है उसी गौशाला के विषय में। हमें यहाँ पे चाहिए कराना और ये बहुत समय से मांग उठा रहे हैं। हमें लोग यहाँ से स्थानीय कोई गौशाला का वो नहीं है कि सर ने आश्वासन दिया CEO साहब कि हम यहाँ जमीन जैसी आवेदित हो जाएगी जो तहसील से जो तो उस हाँ आचार संहिता के बाद में ग्राम पंचायत क्यों नहीं करवा पा रही, नहीं तो इसके लिए पैसा भी हुआ है आवेदित के लिए, मांग भी की जा रही है समय समय पे। आज 3-4 साल से मांग कर रहे हैं बराबर है, लेकिन ग्राम पंचायत का ये कहना है कि जगह मिले, लेकिन वो तहसील में जो अपन वो करते हैं तो वो जमीन नहीं दे पा रहे। मुख्य बाजार में जो तो गाय मरी है, क्या कारण है उनकी? इनका कारण यही है, भूख और प्यास से मर रही है। तो क्या पंचायत के पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है? अभी तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन अब साहब ने आश्वासन दिया है और साहब ने कहा भी है, तो ग्राम पंचायत की लापरवाही है। पनवाड़ा पंचायत भी गलत गड़बड़ चल रही है, वो भी उसमें भी लापरवाही है। सेक्रेटरी को 4 दिन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं करवाई। आज उसने जब मैंने कहा कि CEO साहब को बताऊंगा मैं, उसके बाद में उसने रास्ता दिलवाया है और वो ट्रैक्टर भिजवाया। चलो यदि अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई और चारे पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या रहेगा अगला? नहीं तो 3 दिन या 4 दिन उनके पास, 4 दिन के बाद में हम उग्र आंदोलन करेंगे, हड़ताल पे बैठ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या लग रहा है, मतलब जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है, तो पैसे खाने की तो रहती है, पैसे मिल जाए इनको तो बस वो तो व्यवस्था बन जाएगी। गाय के नाम पर भी पैसा खाया? अरे वो तो सबके नाम पर खा रहा है, तो इनकी तो जो मिली मिली सब इनकी हटाया जाए, मेरी मांग है भाई। आज तो आपको SDM साहब नहीं मिले हैं, SDM साहब के पास क्या खड़ाएंगे? फिर अपन तो भूखा डाल बैठेंगे ना, बड़े 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 3 दिन कारोबारी करी। गौशाला की मांग यहाँ पर सभी करहल वासियों ने इकट्ठे होकर की है और SDM साहब से इसके बारे में बात करूंगा, राजस्व जमीन का आवंटन हो जाए और निकट स्थल पर मिल जाए। तो हम इसके लिए आचार संहिता समाप्त होने के बाद इसकी TS और PS की कार्रवाई। फिलहाल गौशाला का तो लंबा प्रोसेस है सर, अभी फिलहाल गायों के लिए सर क्या इंतजाम किए जा सकते हैं? अभी गायों के लिए या बैलों के लिए जितने भी अपने पशु हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मैंने बोल दिया है, तो जो शासकीय बोर हैं उनसे पशु हौद वगैरह जहाँ बने हैं उनको भरने की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जाएगी। वो तो आज भी होगी, वो कल जाएगी। सर वो मेरा रास्ता बन रहा है, क्या बन रहा है?
चार पांच पॉइंट बताएंगे ना आपको। एक तो अपने पास ऐसा नहीं है कि एक कोई बता दे अपन की सरकारी है, चार पांच जगह सरकारी बताएंगे, फिर वो आपके ऊपर निर्भर करता है प्रशासन के ऊपर कहाँ पे अपन को बनाना। बिल्कुल, 4 जून को आचार संहिता शुरू कर देंगे, पर उससे पहले अपन जमीन के मामले में बात शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा पूरे। सर क्या आवेदन आया है सर आज आपके पास? गौशाला के लिए खोलने के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो गौशाला खुलवाना है तो जमीन देख लेते हैं, देखिए आवंटन करा देंगे। क्या समय माना सर, इसमें कितना समय लग सकता है सर इस चीज़ में? अभी हम तो तत्काली कार्रवाई करेंगे।